आजमगढ़ में पीएम मोदी ने यूपी को दी सौगात, कई जगहों पर एयरपोर्ट्स का वर्चुअली किया उद्घाटन, कई और विकास योजनाओं की रखी आधारशिला। आजमगढ़ रैली को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा आजमगढ़ बना रहेगा विकास का गढ़, आजमगढ़ का विकास मोदी की गारंटी। पीएम मोदी बोले आपका प्यार विपक्ष की नींद उड़ा रहा, आजमगढ़ ने अभी तक परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति देखी, अब विकास की राजनीति देख रहा। पीएम मोदी बोले देश देख रहा कि मोदी अलग मिट्टी का बना है, हमारी सरकार में विकसित भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा देश। आजमगढ़ में बोले सीएम योगी 10 साल पहले माफिया और अपराधों से होती थी आजमगढ़ की पहचान, आज वही पीएम मोदी करोड़ों की दे रहे सौगात। वाराणसी के बरेका गेस्ट हाउस में पीएम मोदी की मीटिंग में बीजेपी के 120 वर्करों ने लिया हिस्सा, सीएम योगी भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर किया 28 किलोमीटर लंबा रोड शो, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी किए दर्शन। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर बाहर निकले पीएम मोदी ने त्रिशूल उठाकर श्रद्धालुओं का किया अभिनंदन, त्रिशूल के साथ पीएम मोदी ने किया जीत का शंखनाद। ट्रस्ट की तरफ से पीएम मोदी को दिया गया था त्रिशूल, वाराणसी के मुस्लिम बोले जब जब मोदी उम्मीदवार होंगे तब तब होगी जीत। वाराणसी के मुस्लिमों ने की पीएम मोदी से अपील, कहा जब तक चुनाव लड़ें वाराणसी से ही लड़ें और हमेशा प्रधानमंत्री बने रहें। पीएम मोदी ने वाराणसी में पूजा की पोस्ट, लिखा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, देश भर के अपने परिवारजनों के सुख की कामना की। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीएसपी, मायावती ने किया ऐलान, कहा बीएसपी की ताकत देख विरोधी बेचैन। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की सुरक्षा कैटेगरी को किया गया अपग्रेड, अब जेड कैटेगरी की मिली सुरक्षा। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने दिया नया नारा 80 हराओ एमएसपी लाओ, कहा यूपी की जनता स्वागत और विदाई दोनों अच्छे से करती है। अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हिटलर का शासन भी 10 साल से ज्यादा नहीं चला, बीजेपी की भी 10 साल हो चुके हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। यूपी के अंबेडकर नगर में अनियंत्रित होकर डबल डेकर बस पलटी, हादसे में एक शख्स की हुई मौत, 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल। आजमगढ़ से दिल्ली जा रही थी बस, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ के 2 कारों में टक्कर, एक कार ने दूसरी कार को साइड से मारी टक्कर, हादसे में किसी के जान को नुकसान नहीं। अयोध्या में रन फॉर रैम इंटरनेशनल मैराथन, बड़ी संख्या में युवाओं ने लगाई दौड़, क्रीड़ा भारती ने किया था मैराथन का आयोजन।